Over 200 people have died in the last week, nearly all of them Palestinian. I'm sorry again? Yes, yes. Israel pounded Gaza with airstrikes and Palestinian militants launched rocket salvos at Tel Aviv and other cities on Saturday. Well, for around a month, we all have been hearing about Israel and Palestine. The injustice by the Israeli forces to the Palestinians. और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे। तो इस सब की शुरुआत होती है हॉलोकास्ट के बाद से, जब ज्यूज अपना लैंड छोड़ के पैलेस्टीन आते हैं और वहाँ पे पैलेस्टीनियंस उनको अपने घरों में जगह देते हैं। अब ज्यूज की एक आइडियोलॉजी है ज़ियोनिज्म, जिसमें पूरी दुनिया के ज्यूज का एक नेशन होना चाहिए और जहाँ वो हमेशा रह सकें, जिसे आज इसराइल कहते हैं। अब शुरू में जो पैलेस्टीन हुआ करता था, आहिस्ता आहिस्ता इसराइल बनता गया, क्योंकि ज्यूज वेल एस्टेब्लिश थे तो वो इर्द गिर्द ज़बरदस्ती जगह खरीदते गए। और वैसे भी पैसों के सामने इंसान कितना रुक सकता है, कुछ बिक गए तो किसी से छीन लिया गया। अब इन 1948, राइट बिफोर अनाउंसिंग देयर स्टेट, इजरायली फोर्सेज इवेक्टेड अराउंड 750,000 पैलेस्टीनियंस फ्रॉम देयर होमलैंड, व्हिच इज एक्चुअली द 78% ऑफ हिस्टोरिकल पैलेस्टीन, एंड द रिमेनिंग 22% वाज देन एब्जॉर्ब बाय इजरायल इन 1967, एक्सपेलिंग अराउंड 300,000 पैलेस्टीनियंस अगेन। This has been going for ages. So why has this news been brought up now? क्योंकि कुछ दिनों पहले 6 फलस्तीनी फैमिलीज को इजरायली फोर्सेस ने जबरदस्ती अपने घरों से बेदखल कर दिया, जिसकी वजह से राइट्स और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और फिर उसके बाद मस्जिद अल अक्सा वॉज अटैक बाय इजरायली फोर्सेस, जिसकी वजह से पलस्तीनियंस ने मेजर फोर्स से फाइट बैक किया, विच वर रियली जस्ट स्टोन्स, विच गेव इजरायली फोर्सेस द चांस टू ब्रूटली बम्बार्ड देम। वेल, दैट्स व्हाट द मेनस्ट्रीम मीडिया इज पोर्ट्रेइंग। अब इसराइलीज को भी अपने करतूत छुपाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो जिस किसी ने भी इस जेनोसाइड पे आवाज उठाई, दे वर लेबल्ड एज एंटी सेमिटिक। इसका मतलब कि आपकी जिंदगी का मकसद बस ज्यूज को मारना और उनसे नफरत करना है, जिसमें मैनी सेलेब्स लाइक द हदीद सिस्टर जीजी एंड बेला हदीद, लीना हेडले, जैन मलिक, मार्क रुफेलो, बट देन डीप पॉकेट्स एंड ऑल्सो दुआ लिपा जैसे लोगों ने आवाज उठाई, नॉट टू फॉरगेट द वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन। नाउ यू कम थिंक ऑफ इट के वर्ल्ड वाइड इतने लोग बोल रहे हैं, बट वाई इज देयर नो इम्पैक्ट। अगर थोड़ा सोचा जाए, हाउ पावरफुल समवन हैज टू बी दिस बोल्ड इनफ टू डू इट इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, दैट रियली टेल्स अस हाउ मच दे ओन अस, that they can control anything, anyone. तो फिर अगला कौन होगा, आप या हम? मेनस्ट्रीम मीडिया समेत काफी हाई प्रोफाइल लोग इसे कॉन्फ्लिक्ट का नाम दे रहे हैं, यहां तक कि हमारी अपनी नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने भी इसे कॉन्फ्लिक्ट कह दिया था। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि मेरी डिक्शनरी में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब गलत है या फिर इनकी, क्योंकि मेरे हिसाब से जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां लॉस ऑफ लाइफ दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ नुकसान होता है और इवेंचुअली एक साइड जीत जाती है। मगर इसराइल और पैलेस्टीन के केस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जहां इसराइल फुल ब्लोन रॉकेट अटैक्स कर रहा है वहां पैलेस्टीनियंस पत्थर मार के खुद को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये कहां की बराबरी हुई? ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, दिस इज प्योर जेनोसाइड। और अगर आपको जेनोसाइड का मतलब नहीं पता तो गूगल कर लेना। अब हम क्या कर सकते हैं, बातें तो सभी करते हैं, कुछ रियलिस्टिक और कुछ अनरियलिस्टिक, मगर सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। अगर होना होता तो कश्मीर आज आज़ाद होता। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका अंदाज़ा बहुत से लोगों को नहीं है। इस ताकत को यूज़ करके हम अपना नैरेटिव दुनिया के आगे रख सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल इसराइल खुद है। हमेशा से इसराइल विक्टिम कार्ड प्ले करता आया है, जिससे दुनिया को लगता है कि सारे जुल्म इसराइल पे ही हुए हैं। मगर इस बार जब लोगों ने पोस्टिंग करना शुरू की तो दुनिया का नैरेटिव भी चेंज हुआ है, और काफ़ी मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ स्टैंड भी लिया है। बॉयकॉट तो हमने फ्रेंच प्रोडक्ट्स का भी किया था, मगर क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा? हमारे अपने लोग ही जॉबलेस हुए और हमारी अपनी इंडस्ट्रीज ही नुकसान में आई। और आप खुद से भी पूछें, क्या आप इन प्रोडक्ट्स के बगैर रह सकते हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल बॉयकॉट करें, और अगर नहीं तो हमें इन प्रोडक्ट्स की रिप्लेसमेंट बनानी चाहिए, और उनकी क्वालिटी भी ऐसी
ऐसी होनी चाहिए जो इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मैच कर सके, वरना कोला तो हमारे पास भी है और उसकी हालत हम सब जानते हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस पैलेस्टीन के लिए काम कर रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढें और डोनेशंस करें। फूड सप्लाईज और मेडिकल सप्लाईज इस वक्त काफ़ी नीड में हैं, तो इसमें आप डोनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास पैलेस्टीन की ग्राउंड एक्सेस तो है नहीं, तो हम नहीं जान सकते कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है, मगर हम उन लोगों की आवाज़ ज़रूर बन सकते हैं जो एक्चुअली में वहाँ पे मौजूद हैं या फिर जिनके पास वहाँ की इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। इसलिए आप उन पोस्ट को शेयर करते रहें जो ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जिस तरह हम ट्रेंड फॉलो करके शेयरिंग कर रहे थे, अब भी करते रहेंगे। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम अस। हैकर बॉयज़ आउट।